महाराज। आओ खल्ला तक आओ। प्रणाम महाराज। महाराज मैंने सुना है कि आप राजधानी छोड़कर एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, और मुझे खेद भी है कि राज्य का महामंत्री होने के नाते इस संदर्भ में मुझसे किसी ने कोई विचार विमर्श नहीं किया। आश्चर्य महामंत्री, परंतु हमारी इस योजना का ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? मुझे ऐसी सूचना मिली है महाराज। तुम्हारी सूचना का स्रोत? महाराज, यदि आप मुझे विवश न करें तो मैं अपने सूचना स्रोत को गुप्त ही रखना चाहूंगा। ठीक है खल्ला तक, परंतु मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि तुम्हारी सूचनाओं के स्रोत अपूर्ण एवं अर्धसत्य हैं। वे विषय वस्तु के सभी बिंदुओं को स्पर्श तक नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि तुम अपने सूचना स्रोत से सतर्क रहो। वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का प्रयोजन तुम्हें सूचित करना था कि मैं तक्षशिला जाने का इच्छुक हूं। तक्षशिला? तक्षशिला तो शांतिपूर्ण राज्य है महाराज, फिर वहां की यात्रा क्यों? मैं वहां किसी विद्रोह का दमन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं वहां उस पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं जो कुछ समय पूर्व मुझसे हुआ था। प्रायश्चित? तुम इस सत्य को भलीभांति जानते हो कि मैं ये उन अनुचित कार्यों के लिए कर रहा हूं जो मैंने जीवन में किए हैं। मैं अब सब कुछ व्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हाँ महामान्य, मैं सब जानता हूं। इस यात्रा में मुझे लगभग 2 मास लगेंगे। इतने समय तक मैं राजधानी को असुरक्षित नहीं रखना चाहता। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि जो नागरिक अभी तक बौद्ध नहीं हुए हैं वो मुझसे भयभीत हैं। तुम भी बौद्ध नहीं हुए हो, अतएव ऐसे भयभीत जनसमूह को आश्वस्त करना तुम्हारे लिए सरल है। मेरे शुभ और पवित्र उद्देश्यों से उन्हें परिचित कराकर तुम राजधानी में शांति स्थापित कर सकते हो। ये कार्य वीत शोक की अपेक्षा तुम भली भांति कर सकोगे, ये तुम्हारे लिए सरल भी होगा। वीत शोक युवा है, अनुभवहीन है, अस्थिर है, उसका मेरे साथ रहना ही उत्तम है। इसलिए मैं तुम्हारी उपेक्षा उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं आपका निर्णय का आभारी हूं महाराज, और आपके द्वारा सौंपे गए इस महान उत्तरदायित्व और महान विश्वास को मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और हाँ महाराज, मैं आपके सुझाव के प्रति सचेत भी रहूंगा। कौन सा सुझाव महामंत्री? सूचना स्रोत के प्रति महाराज। अब आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे?